वाह आंटी जी, आप बताओ क्या बना रहे हो ये? अभी हम तो गुगुते बना रहे हैं। गुगुते क्या होते हैं? गुगुते भाई हमारे में आटे में गुड़ डाल के घी डाल के मीठे बनाए जाते हैं, और वो सामने छोटे छोटे खिलौने होते हैं बच्चों के लिए। ये जो है ना ये है ढोलक है, ये अंगूठी है, ये छोटा सा पतीला है, ये ढक्कन है, ये स्टार है। और ये बनाते क्यों और कब बनाते हैं? ये हमारे संक्रांत में बनाते हैं, 14 तारीख को बनते हैं, और आज हम बना के फिर तल के रखेंगे, और सुबह सुबह अगले दिन कल ऊपर ले जाएंगे, कौओं को बुलाएंगे, कौओं को खिलाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि कौओं के लिए रखो ना, अपनी कोई मनोकामना मांगो, तो कौए एकदम से ले गए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। और कौए नहीं आते जिनके? आ जाते हैं वैसे अपने बच्चे, इस दिन नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो कहते हैं फिर अगले जन्म ना उनको एक कीड़ा बनना पड़ता है, जो मकान अपना साथ लेके नहीं घूमता एक कीड़ा, वैसे बनना पड़ता है। इसलिए बच्चे नहा धो के बड़ों के पैर छूते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो वो कल छुएंगे या आज छूने थे? कल कल कल, मतलब 15 तारीख को। हाँ, नहा धो के सुबह से इस दिन बच्चों की रेस लगी होती है कौन पहले नहाएगा। चलो शुक्र है, आज संडे था, मैं नहाया नहीं, अब कल नहा लूंगा। नहीं, बच्चों का होता है। अच्छा, बच्चों का होता है, बड़ों का नहीं होता। तो आज भैया मकर संक्रांति का दिन है, 14 जनवरी, और ये हमारी आंटी जी और इधर हमारे अंकल जी, ये ज़्यादातर तो अंकल जी ने बनाए हैं, आंटी जी तो बस थोड़ा फोटो ऑप्स के लिए बैठी हैं। उत्तराखंड का फेस्टिवल है। नहीं, फेस्टिवल संक्रांति की बात कर रहे हो या? संक्रांति मनाई जाती है। तो ये भैया संक्रांति को पहाड़ियों के उत्तराखंड में, मतलब ये बनाए जाते हैं, इनको नाम बोलते हैं गुगुते। हाँ, कुमाऊं में, कुमाऊं रीजन में। और ये जो आटा है जिसकी आटे जी बात कर रही थी, जिससे ये बनते हैं, इसमें गुड़ डाला हुआ है और घी डाला हुआ है। अगर हरियाणा राजस्थान वालों को पता होगा, इससे सुहाड़ी बनती है, सेम उसी तरह का थिकनेस का आटा है, देख लो ये, इसको बेल के अगर सुहाड़ी भी बना सकते हैं। और बाकी भी आइए, देखो आर्टिस्ट बंदे ऐसी चीज़ें बना देते हैं, मेरे को लग रहा है ये इस तरह की चीज़ें हम, ये हमारे वाली मम्मी हैं तो ये बना के खुआए थे हमें, मेरे को लग रहा है बस मेहनत से बचने के लिए बना दिया होगा। इसको खजूरे बोलते हैं हमारे में, जैसे घुगते खजूरे, ये आसानी से बन जाता है ना। हाँ, ये तो बात है, बचपन में हमने तो खूब काटे थे भैया, ऐसे काट काट के मम्मी से ही काम लगाती थी। या मेरे को हो सकता है कि माओं का ये बच्चों से काम कराने का एक अलग तरीका होता होगा, इसलिए ये बनवा लेती हूँ। ये होता क्या है कि इसको करके एक दिन धूप में सुखाया जाता है, और हमारे यहाँ बच्चों को ना, जिस घर में जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए माला बनाई जाती है धागे में, उन बच्चों के नाम की माला बनाई जाती है, फिर उन बच्चों को पकड़ा देते हैं, फिर गले में रख के वो खाते खाते रहते हैं। अच्छा, वाह। पहले होता था जितने छोटे बच्चे उनके सबके लिए एक एक माला बनती थी। मतलब इस ट्रेडिशन को हम किसी तरह से जो है इसकी वजह से चलाए हुए हैं, क्योंकि ये गाँव में तो जो है सभी घर में होता है। बाकी एक बात का पता नहीं, हमारे चैनल पे तो पहाड़ी चीज़ को दूसरी आई है, पहली एक वो किसी भाई ने वो सिखाया था हमें रेडू बनाना, दूसरी चीज़ आज हमारे अंकल आंटी जी खिला रहे हैं। असल में हिमाचल या पंजाब के बीच है रेडू, मतलब कड़ी कड़ी टाइप ही रेडू था। गरम अंकल जी कह रहे हैं वो पंजाब और हिमाचल के बीच का है, बट उत्तराखंड का नहीं, ये उत्तराखंडी पहली डिश आ रही है हमारे चैनल पे। थैंक यू आंटी जी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पेलते हैं इनको, मतलब खाते हैं, ग्रहण करते हैं। थैंक यू अंकल जी आपकी इतनी सारी मेहनत करने के लिए, शुक्रिया।